हेलो फ्रेंड्स, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हम देखते हैं सिविल से रिलेटेड, जितने भी हम कंपटीशन के एसएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो या जर्नलिज्म हो, जितने भी हम कंपटीशन के एग्जाम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड टॉपिक हमारा एक है स्टोन। उस स्टोन से हमें अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, हो सकता है उसमें दो या तीन सवाल हमें स्टोन से रिलेटेड मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी स्टोन के पूरा जो चैप्टर है, उस चैप्टर को मैंने एक चार्ट के फॉर्म में जितना कम से कम हो सकता है उसको इसको मिनिमाइज करके आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए एक यहां पर मैंने चार्ट तैयार किया है। इस चार्ट को अगर आप बिना स्किप करे पूरा डिटेल से पढ़ते हैं तो आप इस स्टोन की जितनी प्रॉब्लम्स कंपटीशन में आएंगी उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए किस किस तरह से हम स्टोन क्लासिफाई कर पाते हैं। तो स्टोन या रॉक जो हमारे क्लासिफिकेशन हम करते हैं, हम तीन टाइप से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी फिजिकल जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि उत्पत्ति के आधार पर कि चट्टानें हमारी किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं, उत्पत्ति के आधार पर हमारा क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी भूवैज्ञानिक वर्गीकरण कहलाता है। आगे हमारा है फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि भौतिक संरचनाओं के आधार पर जो हमारा क्लासिफिकेशन किया जाता है उसे हम कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। अगला है केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी उसमें रासायनिक संयोजन जो हमारे केमिकल उसमें उसकी प्रॉपर्टी जो केमिकल की वजह से होती है उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन तीन प्रकार से हम चट्टानों का या पत्थरों का हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, हम इसमें इस पूरे चार्ट में तीन वीडियो में डिवाइड कर देंगे इसको, और तीन वीडियो में जो सबसे पहली वीडियो होगी वो पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। सेकंड पार्ट में हम बताएंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, और थर्ड पार्ट में हम बताएंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उत्पत्ति के आधार पर जो हमारी चट्टानें क्लासिफिकेशन की जाती हैं वो किस किस तरीके से होती हैं। देखिए चट्टानें कैसे उत्पन्न होती हैं, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के पूरी लेयर्स जो हमारी डिवाइड हैं वो हमारा तीन भागों में डिवाइड है। आप जानते हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। हम जानते हैं कि कोर में बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से मैग्मा लावा हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। जब भी अर्थ के किसी भी वीक पोर्शन मिलता है उस वीक पोर्शन से लावा या मैग्मा क्या करता है, बाहर निकलता है, और बाहर निकलने पर वो अर्थ की अलग अलग लेयर्स में या अलग अलग डेप्थ पर डिवाइड हो जाता है या फैल जाता है। तो उस आधार पर हमारी चट्टानें बनना स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहली हमारी रॉक है इग्नियस रॉक। मैं आपको साथ के साथ हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, मैंने पूरा चार्ट इंग्लिश में बनाया हुआ है पर इसमें पूरा मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता जाता हूँ। साथ के साथ आपको इसके नोट्स रेडी करने हैं, और जब आपका पूरा नोट्स हिंदी में भी रेडी हो जाएगा और इंग्लिश में भी रेडी ये चार्ट हो सकता है। पर देखिए इग्नियस रॉक का मतलब है यहाँ पर आग्नेय चट्टानें। आग्नेय हमारी चट्टानें किस प्रकार की होती हैं, सेडिमेंट्री का मतलब है अवसादित रॉक, दूसरी हमारी तीसरी चट्टान है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे तीन प्रकार की रॉक्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली रॉक है इग्नियस, दूसरी है सेडिमेंट्री और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक। ये आपको सभी को आसानी से पता होगा, पहले से आप इसको जानते होंगे। इग्नियस रॉक की अगर हम बात करें, अब इनकी बात करते हैं हम कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कैसे चट्टानें बनती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी पृथ्वी के लेयर्स जो हैं वो तीन टाइप के हमारी लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर में बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से हमारा लावा मैग्मा लिक्विड फॉर्म में होता है जो अक्सर किसी वीक पोर्शन से निकलने की कोशिश करता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर मैंने कुछ लेयर्स बना रखी हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये बीच वाला पोर्शन आप ये समझिए कि ये बीच वाला पोर्शन एक वीक पोर्शन मिला लावा या मैग्मा को, और मैग्मा या लावा ये क्या चीज़ है, मैग्मा या लावा, इस लावा को निकलने के लिए एक वीक पोर्शन मिला और ये वीक पोर्शन से निकलेगा और यहाँ पर अर्थ की अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इग्नियस रॉक को अब आप देखेंगे कि इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक बनेगी और सेडिमेंट्री रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी, या ये भी हो सकता है कि इग्नियस रॉक से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बन जाए। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने इस इग्नियस रॉक के बहुत सारे नाम लिख रखे हैं अलग अलग, इन नामों से भी हमें क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि इग्नियस रॉक को और किस नाम से जानते हैं, सेडिमेंट्री रॉक को और किस नाम से जानते हैं, या इनको इनकी मिनरलिक प्रॉपर्टी कैसी की होती है। तो देखिए इग्नियस रॉक को पेरेंट रॉक बोला, आखिर पेरेंट रॉक क्यों बोल रहे हैं, पेरेंट का मतलब है
अभिभावक आप जानते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं जितनी भी रॉक्स हैं मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो सेडिमेंटरी रॉक हो चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक हो, बनती किससे हैं? इग्नियस रॉक से। तो सारी रॉक का जन्म हो रहा है इग्नियस रॉक से। तो इसको एक तो मदर रॉक, आप देखिए यहां पर मैं लिख रहा है मदर रॉक, और दूसरा है पेरेंट रॉक। तो इसको इग्नियस रॉक को ही क्या बोला जाता है, मदर रॉक या पेरेंट रॉक के नाम से हम इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि सब बाकी सभी रॉक्स की उत्पत्ति किसके आधार पर हो रही है? इग्नियस रॉक के आधार पर। इसी से ये फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा आगे बताते हैं। तो पेरेंट रॉक समझ में आया और मदर रॉक समझ में आया कि इनको हम क्यों बोलते हैं। आगे देखिए, इनको हम पॉली मिनरलिक भी कहते हैं। तो पॉली मिनरलिक क्यों बोल रहे हैं देखिए जरा यहाँ पर। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मैग्मा जब निकलेगा तो अर्थ की अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होगा। तो वो कुछ पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के बहुत गहराई पर, या पृथ्वी के बहुत ही कम गहराई पर, जिसे हम कह सकते हैं सैलो डेप्थ पर, हमारा वो डिवाइड हो जाता है। तो उस मैग्मा में क्या क्या हमारे मिनरल्स हैं? तो मैग्मा जो हमारे मिनरल्स हैं वो है माइका, फेल्सफार एंड क्वार्ट्ज। तो तीन चार टाइप के, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें जब हमारे एक से ज़्यादा मिनरल किसी भी रॉक में होते हैं तो उस रॉक को हम क्या कहते हैं, पॉली मिनरलिक रॉक कहते हैं। तो अब आप यहाँ से समझिए कि इसको पॉली मिनरलिक रॉक मैंने क्यों बोला। क्योंकि पॉली मिनरलिक रॉक इसलिए बोला गया है इसे, क्योंकि मैग्मा में हमारे माइका, फेल्सफार एंड क्वार्ट्ज। अक्सर क्वेश्चन पूछा था माइका एक रॉक है या मिनरल, तब आंसर होगा माइका एक मिनरल है ना कि रॉक। फेल्सफार एंड क्वार्ट्ज ये सभी क्या है, हमारे मिनरल्स होते हैं जो हमें कहां पर पाए जाते हैं, सभी हमें चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इसमें हमारे एक से ज्यादा मैग्मा, एक से ज्यादा हमारे इसमें मिनरल्स हो गए तो हम क्या कहेंगे, इसको पॉली मिनरल रॉक बोलेंगे। आगे देखिए प्राइमरी रॉक क्यों बोल रहा है इसको। प्राइमरी रॉक इसलिए बोला है हमने कि प्राइमरी ये जब रॉक बनती है सबसे पहले यही रॉक बनती है, इनको इसलिए प्राइमरी रॉक बोला गया है। तो अब हमने जाना कि इग्नियस रॉक बनी क्यों है। आपको स्टूडेंट्स मैं एक बात और बता दूं कि जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं आपको पूरे पूरे पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं होती है। हम किसी भी आंसर को उस वर्ड से कोई भी क्वेश्चन से इग्नियस रॉक कैसे कहते हैं या कैसे बनती हैं, इनके लिए हमें कीवर्ड याद रखना होता है। एक ऐसा वर्ड जरूर होता है उस पूरे सेंटेंस में जिससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये इग्नियस रॉक का एक्सप्लेनेशन दे रहा है या फिर सेडिमेंटरी रॉक का दे रहा है या फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि हाई टेम्परेचर की वजह से इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। आप लिखते जाइए साथ के साथ कि हाई टेम्परेचर की वजह से जब मैग्मा पृथ्वी की लेयर्स से या वीक पोर्शन से बाहर निकलता है तो वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो वहां पर हमारी एक रॉक का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक। पेरेंट रॉक क्यों बोला, प्राइमरी रॉक क्यों बोला, पॉलीमिनरलिक रॉक क्यों बोला, और इसको हम इस तरह से इसको अलग अलग नामों से हम इसको जानते हैं। आगे देखिए, आगे हमारी जो इग्नियस रॉक है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे? अकॉर्डिंग टू डेप्थ। यहां से हमारा एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि डेप्थ के आधार पर हम कैसे कैसे इनको डिवाइड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा हुआ यहां पर वॉल्केनिक या एक्सट्रूसिव या एफ्यूसिव रॉक कहते हैं, यानी कि हमने मदर रॉक जो हमारी है कौन सी, इग्नियस रॉक, क्या कहते हैं इसको, मदर रॉक, पॉलीमिनरलिक या पेरेंट रॉक, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे? अलग अलग डेप्थ के आधार पर। तो सबसे पहले मैं आपको डेप्थ ही लिख देता हूं। देखिए हमारी अर्थ का पूरा मैंने अलग अलग लेयर्स दिखा रखी, हमने ये माना है कि जो ये वाली लेयर है वो हमारी सबसे गहरी लेयर है, डीप, डीप मतलब गहरी, सीटेड, सबसे गहरी लेयर ये है हमारी, सबसे गहराई पर ये वाली लेयर है, और हमारा मैग्मा आकर इसी लेयर में फैल जाता है या इस लेयर में फैलता है, तो जो चट्टान हमारी बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, प्लूटोनिक या इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब अंदरूनी, बहुत ही अंदर है, काफी गहराई पर है, तो इसको हमने क्या बोला है, डीप सीटेड। आप बाकी इस डायग्राम में यहां पर बना रखा है, इसको इससे रिलेट करना है, आपको एक दो संबंध स्थापित करना है कि किस तरीके से बना रहा हूं। देखिए जो डीप सीटेड रॉक है इसको हमने क्या बोला है, इंट्रूसिव रॉक, यानी ऐसा मैग्मा जब पृथ्वी के बहुत ही गहराई पर सेट हो जाए और वो ठंडा हो जाए तो वहां पर हमारी जो चट्टान बनेगी उसे इग्नियस तो बोलेंगे ही, लेकिन इग्नियस के साथ साथ हम क्या बोलेंगे, प्लूटोनिक या इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं, ये आपको लिखना है। डीप सीटेड होती है तो कौन सी बनती है हमारी, प्लूटोनिक रॉक। आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो प्लूटोनिक ही वर्ड याद रखना है, प्लूटोनिक, या इसको आप याद रखेंगे इंट्रूसिव रॉक। कौन सी? इंट्रूसिव रॉक। अगला, ये तो हो गया हमारा बहुत गहराई पर। अगर हम बात करें कि अर्थ सरफेस पर ना फैलकर पर अर्थ सरफेस से कुछ थोड़ा नीचे, यानी कि बहुत ही सैलो डेप्थ पर, बहुत ही उथला, काफी ज्यादा बहुत ज्यादा गहरा नहीं, तो इसको हम कहेंगे सैलो डेप्थ पर। यानी अगर मैग्मा सैलो डेप्थ पर
फैलेगा तो यहाँ से हमारे जो चट्टान बनती है उसे हम कहते हैं एट सैलो डेप्थ पर, मैंने लिख रखा है यहाँ पर कौन सी रॉक बनती है, हाइपरबेसल रॉक बनती है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो मैग्मा पूरी अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाए और ऊपर आने के बाद फैल जाए तो वहां पर जो कूलिंग के बाद जो चट्टान बनेगी, बनेगी तो इग्नियस ही लेकिन कौन सी होगी, वो वोल्केनिक रॉक होगी। तो यहां से हम याद रखेंगे वोल्केनिक, हम क्या याद रखने वाले हैं इससे कि वोल्केनिक रॉक कहते हैं इसको। अब देखिए वोल्केनिक, इसको अगर मैंने इंट्रूसिव रॉक बोला था तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, एक्सट्रूसिव यानी बाहर, सबसे ये अंदरूनी है तो सबसे बाहर वाली ये है वोल्केनिक रॉक, या इसको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव। आपको यही कीवर्ड्स याद रखने हैं कि किस रॉक को क्या बोला जाता है। तो ये हमारी होगी एक्सट्रूसिव, या इसको एफिसिव रॉक भी बोलते हैं। तो अब तक हमने सीखा कि इग्नियस रॉक कैसे बनती हैं, ड्यू टू मैग्मा अर्थ सरफेस के बाहर आने के कारण। दूसरा इनको पेरेंट रॉक, इनके अलग अलग नाम क्यों है, मिनरल्स ज्यादा है इसलिए इसको पॉलीमिनरल बोल रखा है। अब यहां पर आने के बाद में आपसे एग्जाम्पल की फॉर्म में जरूर पूछेगा कि बताइए बेसाल्ट कैसी रॉक है, ट्रैप कैसी रॉक है, और हमारा राहेलाइट, एंडेसाइट, एप्टाइट, ये सब किस प्रकार की रॉक है। तो यहां पर आप जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, लोकेशन का मतलब ये है, यहां पर मैंने लोकेशन का मतलब ये कहां पाई जाती है, तो हम कहेंगे सबसे एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सर पृथ्वी की ऊपरी सरफेस पर ही जो रॉक मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्केनिक रॉक। थोड़ा सा सैलो डेप्थ पर कौन सी मिलती है उसे हम कहेंगे, इसकी लोकेशन क्या है, सैलो डेप्थ पर कौन सी, हाइपरबेसल रॉक। लोकेशन अगर हमारी बहुत ही गहराई पर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लूटोनिक या इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। ये है कौन सी, सारी है इग्नियस ही। लेकिन अब देखिए एग्जाम्पल में बात करें, सबसे पहले बेसाल्ट, मैं जो बेसाल्ट सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा बेसाल्ट, तो देखिए बेसाल्ट। दूसरा है यहां पर एप्टाइट, दूसरा कौन सा है हमारा, एप्टाइट, एप्टाइट है। तीसरा एग्जाम्पल हमारा ट्रैप, ट्रैप, और तीसरा एग्जाम्पल है राहेलाइट, राहेलाइट। आप किसी भी अपनी एक छोटी सी ट्रिक बना लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे ये। एंडेसाइट, तो इतनी जो रॉक हैं उन रॉक को आपको क्या याद रखना है कि ये जितनी भी हमारी रॉक हैं कैसी हैं, ये हमारे बेसाल्ट, ट्रैप, ये सभी रॉक हमारी कैसी होती हैं, ये हमारी वोल्केनिक रॉक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखने वाली ये है कि वोल्केनिक लेयर में जो भी रॉक्स हमारी है बेसाल्ट, ट्रैप, ये कैसे नेचर की होती हैं, ये पूछ सकता है कि एसिडिक नेचर की होती हैं, बेसिक नेचर की। तो बी से बेसाल्ट है तो यहाँ से बेसिक आप याद रख सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बेसिक रॉक भी होती हैं। ये कैसी होती है, बेसिक, इनका नेचर जो है कैसा होता है, बेसिक। लेकिन प्लूटोनिक का कैसा होता है, हमारा एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब जब मैं यहां पर आ गया हूं इस पॉइंट पर, तो मैं इससे आपको रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। बेसाल्ट और ट्रैप, आपको इस नाम से याद आ रहा होगा कि इस बेसाल्ट और ट्रैप अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं आप नोट करके लिख लीजिए कि जो रेलवे स्टोन हम बैलास्ट यूज करते हैं, रेलवे बैलास्ट, तो इन दोनों स्टोन का हम यूज करते हैं किसके फॉर्म में, रेलवे बैलास्ट की फॉर्म में। कैसे यूज करते हैं हम इनको, रेलवे बैलास्ट की फॉर्म में, ध्यान रखिए रेलवे बैलास्ट। तो रेलवे बैलास्ट की फॉर्म में हम क्या, बेसाल्ट एंड ट्रैप यूज करते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम हम कहाँ हो जाती है कि ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, बेसाल्ट एक ऑप्शन में, किसी एक चार ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में बेसाल्ट एंड ट्रैप है तो हम आसानी से लगा देते हैं। लेकिन अगर हमें ये बोले कि ए बी सी डी में एक में बेसाल्ट और एक में ट्रैप हो तो हम कौन सा लगाएंगे, तब हम ऑलवेज कौन सा आंसर लगाएंगे, एक आंसर देना होगा तो हम आंसर लगाएंगे सिर्फ बेसाल्ट। रेलवे बैलास्ट की फॉर्म में कौन कौन सी यूज करते हैं, बेसाल्ट एंड ट्रैप। लेकिन हमें जब ऑप्शन में ही क्या दे, बेसाल्ट भी दे एंड ट्रैप भी दे, तब हम अलग अलग में सबसे एक आंसर में सेलेक्ट करना हो तो हम कौन सा यूज करेंगे, बेसाल्ट यूज करते हैं। बेसाल्ट कैसी है, बेसिक रॉक है। कहाँ यूज करते हैं, रेलवे एंड रेलवे बैलास्ट की फॉर्म में यूज करते हैं, दोनों को यूज करते हैं, पर एक आंसर बोलेगा तो बेसाल्ट लगाएंगे। आगे हमारी कैसी है, वोल्केनिक नेचर की है। ये सारी चट्टान है किस नेचर की है, इग्नियस रॉक। ठीक है, यहां तक चलो आगे चलते हैं। आगे हमें बोला गया है हाइपरबेसल, हाइपरबेसल मतलब सैलो डेप्थ पर जो हमारी फैलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइपरबेसल रॉक कहते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल हमारा क्या है, इसका एग्जांपल है डॉलराइट। इसका एग्जांपल क्या होगा, डॉलराइट, डॉलराइट।
ठीक है। देखिए अभी आगे लगातार एक पॉइंट आने वाला है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, ये हमारी कायंत्रित चट्टान कहते हैं, और इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा है कि ये चट्टान है मेटामॉर्फिज्म एक्शन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर साथ के साथ में एक टेबल बनाते चल रहा हूँ कि हमारी जो इनिशियली रॉक है और आगे मेटामॉर्फिज्म एक्शन के बाद, मेटामॉर्फिक एक्शन के बाद कौन सी रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगी वो, तो मेटामॉर्फिक कौन से बनेंगी। तो उसके लिए देखिए यहीं पर आपको याद रखना है, अभी मैं आगे बताता हूँ बेसाल्ट एंड डॉलाइट किस में चेंज होंगी। आगे देखिए ये हमारी होगी सेलोडेप्थर जो चट्टान बन रही है उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरबेसल रॉक कहते हैं। आगे हमारा प्लूटोनिक या इंट्रूसिव रॉक, इसको हम अलग अलग नाम से आते हैं। कौन सी रॉक होती है जो बहुत ही गहराई पर होती हैं, एसिडिक नेचर की होती हैं, और इनको हम डीप सीटेड रॉक कहते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रू, पेगमेटाइट एंड साइनाइट, ये जो रॉक हैं ये सभी हमारी कैसी हैं, ये हमारी प्लूटोनिक रॉक है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, ग्रेनाइट। बहुत सारे यूज होते हैं इसके, अभी बताते हैं एक एक करके सारा। दूसरा हमारा है गैब्रू, दूसरा कौन सा है, गैब्रू। तीसरा है पेगमेटाइट, पेगमेटाइट, और हमारा है साइनाइट, साइनाइट। ये सारे एग्जांपल मैंने यहां पर साफ साफ लेटर्स में यहां पर लिख रखे हैं, आप आसानी से देख पाएंगे। तो ये हमारे जितनी भी रॉक्स थे ये हमारे कैसी हो गई, ये हमारी अलग अलग टाइप के हमारी रॉक्स हैं और अलग अलग इसके एग्जांपल्स हैं। आप क्वेश्चनों की भरमार देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चंस आपको अगर आप बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं समझता हूँ उस स्टोन से रिलेटेड अगर क्लासिफिकेशन से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको यहां से देखने को मिल जाएगा आसानी से। देखिए अब आगे चलते हैं, मैंने अभी आपको बताया जैसे इनका यूज बताया मैं रेलवे बैलास्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। यहाँ पर और चीज क्या क्या है, जिसने कि ग्रेनाइट की वर्ड यहाँ पर आया है, तो ग्रेनाइट का यूज कहाँ पर होता है उसको समझ लीजिए। यहाँ पर आप ग्रेनाइट हमारी क्या है, मोर फायर रेजिस्टेंस, यानी कि इस रॉक की सबसे ज्यादा अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होती है। और कहाँ यूज करते हैं, जहाँ आग लगने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं तो हम यूज करते हैं इनको, किचन्स वगैरह में इनका यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर ये याद रखेंगे कि ग्रेनाइट में क्या प्रॉपर्टी होती है, मोर फायर रेजिस्टेंस, क्या यूज होता है इसका, मोर फायर रेजिस्टेंस हम देखने को मिलता है कि ये बहुत ही अग्नि प्रतिरोधी चट्टान है ग्रेनाइट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से कि ग्रेनाइट से क्या बनता है, कि ग्रेनाइट मेटामॉर्फिज्म एक्शन के बाद किस में बदल जाती है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर इसमें ये दिखाई दे रहा है, देखना कैमरे में आ रहा है, ग्रेनाइट हमारा, ग्रेनाइट की अगर हम बात करें, ग्रेनाइट की बात करें, देखिए ग्रेनाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट हमारी मेटामॉर्फिज्म एक्शन के बाद किस में बदल जाती है, तो आप सभी जानते हैं बहुत अच्छी से, नाइस, देखिए स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लीजिएगा, नाइस। तो नाइस हमारा जो ग्रेनाइट है वो मेटामॉर्फिज्म अगर रॉक बनेगी इससे, अभी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी रॉक की यानी इग्नियस रॉक की, लेकिन हम इस साथ ये बात कर लें जी, बहुत सारे एग्जांपल्स आ गए तो यहीं से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे सेपरेटली, पढ़ेंगे हम मेटामॉर्फिक रॉक भी पढ़ेंगे एंड सेडिमेंट्री, लेकिन अभी हम क्या करें, एक दूसरे को लिंक करें। लिंक करने से फायदा ये होगा कि हमें वो याद आसानी से होंगे और अच्छी तरह याद होंगे, लॉन्ग टर्म हमारा मेमोरी में रहेगा और हम इसको नहीं भूलेंगे। देखिए ग्रेनाइट किस में बोलता है, नाइस में। यहीं से एक इंपॉर्टेंट बात, नाइस कैसी रॉक है, ऐसी रॉक जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, कौन सी, कंप्रेसिव। तो यहां पर आप लिखेंगे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि अधिकतम संपीड़न सामर्थ्य किसकी होती है, नाइस की। यहां से हमारे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गए, एक कौन सा, सबसे पहला ग्रेनाइट किस में बदलता है मेटामॉर्फिज्म एक्शन के बाद, नाइस में, और नाइस क्या है, नाइस हमारी सबसे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाली क्या है, एक रॉक है। यहीं से दिमाग में एक बात आती है, अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाली ये है तो सबसे कम स्ट्रेंथ वाली कौन सी है, यहीं पर मैं लिख देता हूं, देखिए सबसे मैं यहां पर लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा इसको, लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सबसे कम, मिनिमम मैं लिख दूं इसको, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी होती है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, आप इसको नोट करते जाइएगा साथ के साथ, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी होती है, लैटेराइट। स्टूडेंट्स मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं तो
इन सभी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली अपडेट्स जो आपको मिलती रहें और हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए और सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो आप, मैं समझता हूं कि जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, जहां प्रॉब्लम होती है, आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखते हैं, तो सबसे यहां से हमने देखो कहां से पॉइंट निकाला था, हमने पढ़ रहे थे इग्नियस रॉक में प्लूटोनिक रॉक का एग्जाम्पल था ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट कैसी थी हमारी, मोर फायर रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा अग्नि प्रतिरोध क्षमता थी इसकी, और हमने कहा कि इससे रिलेटेड और भी कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, तो यहां से बन सकता है कि ग्रेनाइट मेटामॉर्फिज्म एक्शन की बात किसमें बन जाती है, नाइस में। अब यहीं से समझ में आया नाइस से रिलेटेड कुछ पढ़ लें इंपॉर्टेंट, तो नाइस होती है हमारी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाली रॉक, यानी सबसे ज्यादा संपीड़न सामर्थ्य यानी इस रॉक की होती है। तो अब यहीं से दिमाग में आया कि अगर ये मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाली है तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाली कौन सी होगी, लैटेराइट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर ग्रेनाइट, ये अगर हम ग्रेनाइट पढ़ ही रहे हैं नाइस में बदलती है, तो और भी कौन कौन सी रॉक हो सकती हैं जो हमारी नाइस में बदल जाती है, उनको भी हम पढ़ लेते हैं साथ का। देखिए इसी के साथ लगा हुआ, आपको याद करने में आसानी होगी, इसी के साथ लगा हुआ है साइनाइट। साइनाइट भी किसमें बदल जाता है, कॉमा, साइनाइट भी हमारा बदल जाएगा किसमें, साइनाइट बदल जाएगा हमारा नाइस में। साइनाइट में किसमें बदलेगा, नाइस में। और एक और रॉक आप याद रख लीजिएगा, कॉन्ग्लोमेराइट, ये भी हमारी एक रॉक है, वो किसमें बदल जाती है, तीनों की तीनों रॉक हमारी किसमें बदलती हैं, नाइस में बदल जाती है, और नाइस हमारी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाली रॉक है। चलिए अच्छा, आगे इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, चलो और आगे चलते हैं। अभी फिलहाल में हमने पढ़ा, और दूसरा मैं अभी आपको बता रहा था, जब हमने ये पढ़ा है कि बेसाल्ट और डॉलराइट इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, बेसाल्ट और डॉलराइट दोनों रॉक जो बदलती हैं वो किस में बदल जाती हैं। अब हमने सभी रॉक, देखिए हम सीरियल वाइज पढ़ते जा रहे हैं और हम ये देखते जाएंगे, जरूर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेटामॉर्फिक एक्शन के बाद कौन सी रॉक बनती है, तो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, हम उनको बदल लेंगे कि ये हमारी अगर इसमें बनेगी तो एग्जाम्पल क्या होगा, और आगे वो रॉक आने वाली है तो हमारा रिपीट भी हो जाएगा। वो बेसाल्ट और डॉलराइट की अगर आप बात करें, डॉलराइट, तो यहां से आपको याद रखना है कि हमारी चिस्ट में बदल जाती हैं, ये भी हमारी क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है, चिस्ट में बदल जाती हैं। तो इसमें बेसाल्ट एंड डॉलराइट, ग्रेनाइट, साइनाइट और कॉन्ग्लोमेराइट, नाइस में, ये हमारी चिस्ट में बदल जाती है। चलो यहां से रेट हमारे, यानी बेसाल्ट और डॉलराइट किसमें बदल गई, चिस्ट में, और ग्रेनाइट नाइस में, साइनाइट नाइस में। मैक्सिमम फायर रेजिस्टेंस किसका है सबसे अधिक, वो हमारा ग्रेनाइट का, और सबसे जो रेलवे वेलास्ट किससे बनाते हैं, बेसाल्ट एंड ट्रैप से। तो इग्नियस रॉक से रिलेटेड हमारा एक इम्पॉर्टेंट पूरा फिगर बन गया यहाँ पर, जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक हमारी कौन सी बनती है। जो भी पॉइंट छूटा हो सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर दें, कोई पॉइंट छूटा हुआ है तो मैं नेक्स्ट टाइम अगर कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उसको ऐड कर लूंगा। आगे हमारा है सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक या मोनोमिनरली रॉक, या इसको एक्वास रॉक क्यों बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था एक बार किसी एग्जाम में कि एक्वास रॉक किस नाम, एक्वास रॉक को हम किस नाम से जानते हैं, तो हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती है, सेकेंडरी रॉक होती है। तो देखिए अगर प्राइमरी रॉक ये थी तो इसका मतलब ये है सेकेंडरी ये बनी होगी, दूसरा ये पॉलीमिनरलिक थी तो यहाँ पर किसी एक ही टाइप के मिनरल थे, तो होता क्या है ड्यू टू सीजनल वेरिएशन, आपको सिर्फ एक की पॉइंट याद रखना है, ड्यू टू सीजनल वेरिएशन, इसका मतलब क्या है सीजनल वेरिएशन, इसका मतलब ये है कि मौसम परिवर्तन के अनुसार, मौसम परिवर्तन कैसे, गर्मी, धूप, वर्षा आदि, इन सब का इफेक्ट जब हमारी इग्नियस रॉक पर पड़ता है, यानी कि जीवों का चलना, सीजन वेरिएशन होगा तो गर्मी आएगी, वर्षा होगी, हवा चलेगी, इन सब की वजह से क्या होता है, यहाँ से इन चट्टानों का धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होने लगता है। डिकम्पोजिशन मतलब अपघटन होने लगता है, और अपघटन होकर ये चट्टानें हमारी कहाँ पहुँच जाती हैं, आगे कहीं हमारी ड्यू टू एयर से ट्रांसपोर्ट होकर, वाटर से ट्रांसपोर्ट होकर, कहीं पर एक स्थान पर जाके हमारी जमने लगती हैं। तो उस कारण जो हमारी रॉक बनती है उसे हम याद कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। फिर दोबारा समझाता हूँ, देखिए ड्यू टू सीजनल वेरिएशन, सिर्फ आप इतना याद रखो कि मौसम परिवर्तन के हिसाब से, अगर मौसम परिवर्तन होगा तो कैसे होगा, गर्मी है, कभी वर्षा है, कभी ठंड है, कभी हमारा हवा तेज चल रही है, तो इस वजह से जब सीजनल वेरिएशन होगा तो चट्टान जो हमारी पहले बन चुकी है, कौन सी, इनिशियली
कौन सी बनी थी हमारी पहले प्राइमरी रॉक। तो प्राइमरी रॉक पर जब डिकम्पोजिशन होगा, उनका अपघटन होगा, तो वो चट्टानें हमारी क्या होगी, कहीं जाकर जमा होगी वो, और जब जमा होने के बाद हमारी नई रॉक बनेगी तो उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटरी रॉक कहते हैं। आखिर इसको सेकेंडरी रॉक क्यों बना है, सेकेंडरी रॉक इसको हमने इसलिए बोला है क्योंकि जब प्राइमरी रॉक ये बन गई है तो प्राइमरी के बाद जो रॉक बनेगी उसे क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी रॉक। मोनोमिनरलिक की बात आप समझे कि मोनोमिनरलिक इसको क्यों बोल रहे हैं हम, मोनोमिनरलिक रॉक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें तो पॉली मिनरल्स थे, यानी बहुत सारे मिनरल्स थे, लेकिन इस चट्टान में विशेषकर एक ही टाइप का मिनरल हमारा मैक्सिमम मेजोरिटी में देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको मोनो मतलब था सिंगल एक, तो मोनो मिनरल मतलब एक ही टाइप का हमारा मिनरल इसमें मेजोरिटी में मैक्सिमम होगा, इसके लिए हमने इसको मोनोमिनरलिक रॉक बोला है। आगे हमारा इसको एक्वस रॉक भी इसको हम कहते हैं, किस क्यों बन रही है, सीजनल वेरिएशन के कारण। तो यहां से अब यहां से आप देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो एग्जाम्पल मैं सबसे पहले लिखता हूं लाइम स्टोन आप जानते हैं चूना पत्थर। दूसरा कौन सा है इसमें हमारा, दूसरा हमारा डोलोमाइट, वेरी इंपॉर्टेंट डोलोमाइट। तीसरा हमारा है इसमें सैंडस्टोन। अगला है हमारा इसमें सेल, SHALE, एक सेल भी हमारी क्या है, एक रॉक है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखिए अब यहाँ से अब लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, या सैंडस्टोन है, या फिर हमारा सेल है, या फिर तो इस तरह से हमारे बहुत सारी चट्टान हैं और भी एक्स्ट्रा हो सकती हैं, आगे आएगा याद तो मैं बताता जाऊँगा साथ के साथ। तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सैंडस्टोन एंड सेल। तो यहां पर अब बात करते हैं कि लाइमस्टोन के बारे में हम बात करें कि लाइमस्टोन हमारा क्या होता है। देखिए लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, इसका फार्मूला जानते हैं CaCO3। अब यहां से देखिए मैं यहां बता इनके बारे में एक्सप्लेनेशन यहां देता हूं। लाइमस्टोन हमारा क्या है, CaCO3 लाइमस्टोन का हमारा फार्मूला है। दूसरा है डोलोराइट, डोलोराइट हमारा फार्मूला होता है CaMgCO3 का होल ट्वाइस, ये फार्मूला है, इसका याद रखना है। सैंडस्टोन और सेल, इंपॉर्टेंट यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट की परसेंटेज क्या होती है, तो यही याद रखना है कि इसमें सिर्फ मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो परसेंटेज है वो हमारी होती है 45%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सवाल देखने को मिलता है अक्सर। मैंने क्या बताया, सेडिमेंटरी रॉक क्यों बन रही है, ड्यू टू सीजनल वेरिएशन, और सीजनल वेरिएशन के अकॉर्डिंग हमारी कौन सी सीजनल वेरिएशन के अकॉर्डिंग कौन सी बन रही है हमारी, सेडिमेंटरी रॉक। और सेडिमेंट रॉक में हमारे सीजनल वेरिएशन की वजह से हमारी जो रॉक बन रही है वो हमारे को सबसे पहले लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन हमारा फार्मूला क्या है, CaCO3, और डोलोराइट क्या है हमारा, CaMg3 का होल ट्वाइस, और हमारी इसकी जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की परसेंटेज है वो कैसी होती, 45% होती है। आगे जब हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो हम यही देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें ये जो रॉक्स हैं ये हमारी किस किस मैं मेटामॉर्फिज्म एक्शन की बात बदल जाती है। ओवरऑल हम कहाँ जा रहे हैं, लास्ट में चल रहे हैं हम कि मेटामॉर्फिज्म एक्शन में अगर ये रॉक कन्वर्ट होंगी तो क्या बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन हमेशा बदलता है किसमें, मार्बल में, मार्बल में बदल जाता है। ये बहुत आसान सवाल हो गया कि लाइमस्टोन हमारा किस में बदल जाता है। सवाल आपको यहां से ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मेटामॉर्फिक रॉक भी हमारे दो प्रकार की होती है, एक फॉलिएटेड एक नॉन फॉलिएटेड, एक फॉलिएटेड एक नॉन फॉलिएटेड हमारी है। इसका भी एक एग्जांपल और याद आ रहा है, मैं यहां पर लिखता हूं जिप्सम। जिप्सम हमारी एक और रॉक है इसमें, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक एक करके हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा मैंने क्या बताया, लाइमस्टोन किस में बदल जा रहा है, मार्बल में। याद रखने वाली बात यहां पर यह पॉइंट है कि मार्बल जो है वो हमारी किस प्रकार की रॉक है। तो देखिए यहां पर मेटामॉर्फिक रॉक हमारे दो प्रकार की होंगी, अभी आगे मैं बताता हूं, फॉलिएटेड एंड नॉन फॉलिएटेड। इसका मतलब क्या है, एक तो परतदार जिनको परत की फॉर्म में, लेयर्स की फॉर्म में निकाल सकते हैं, दूसरी है नॉन फॉलिएटेड मतलब अपरतदार जिनको नहीं निकाल सकते। तो ध्यान रखना है कि मार्बल कैसी है, नॉन फॉलिएटेड रॉक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, नॉन फॉलिएटेड है ये, ठीक है। आगे लाइमस्टोन
अब जब लाइमस्टोन पड़ ही रहे हैं कि मार्बल में चेंज हो जाता है, तो और कौन कौन सी रॉक हो सकती है जो मार्बल में चेंज हो सकती है? तो देखिए, लाइमस्टोन की बात मैंने अभी आपको एक एग्जांपल कौन सा बताया, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट भी हमारा किस में बदल जाता है, डोलोमाइट भी हमारा चेंज होगा मार्बल में। एक और पढ़ लीजिए साथ के साथ, मार्ल, इसको याद करना बहुत आसान है, मार्ल से मार्बल। तो यहाँ से हम तीन रॉक देखते हैं कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मार्ल हमारी किस में बदल जाती है, मार्बल की फॉर्म में बदल जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं, मार्बल आ गए यहां तक, लाइमस्टोन पढ़ लिया मार्बल चेंज होगा, डोलोमाइट पढ़ लिया मार्बल में चेंज होगा, सैंडस्टोन किस में, ये आपको आसानी से पता होगा सभी को कि सैंडस्टोन किस में बदल जाता है हमारा, सैंडस्टोन बदल जाता है, आप कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके मुझे बता दिया करो, सर हमें ये पता था, सैंडस्टोन ये बदल जाता है क्वार्ट्जाइट में, किसमें, क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात ये भी समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, क्वार्ट्जाइट कैसी रॉक है, मेटामॉर्फिक तो है ही पर नॉन फॉलिएटेड है, कैसी है, नॉन फॉलिएटेड। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आप इसके नोट्स बनाते जाइए, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसके नोट्स बना लेंगे तो आपके जो भी मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं इससे रॉक में से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इस बात को आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सर ने एक ही लेक्चर में सारा हमें बता दिया था। चलिए सैंडस्टोन देख लिया कैसे बदल रही है क्वार्ट्जाइट में, और हम देख लेते हैं सेल, जानते हैं आप इसका, सेल कैसे बदल जाती है हमारी स्लेट में, तो सेल बदल रही है हमारी किसमें, स्लेट, स्लेट में बदल रही है। चलिए यहीं से आप बताएंगे स्लेट का यूज कहां पर होता है, जैसे मैंने बताया ग्रेनाइट का यूज किचन वगैरह मोर फायर रेजिस्टेंस के लिए, दूसरा बेसाल्ट, बेसाल्ट का यूज रेलवे स्टोन के लिए, यहीं पर आपको याद रखना है, जो स्लेट का यूज करते हैं वो यूज भी याद रखना है आपको, स्लेट का यूज करते हैं हम रूफिंग में, कैसे, रूफिंग में, फ्लोरिंग में, रूफिंग कॉमा फ्लोरिंग, ये याद रखने हैं आपको सारे पॉइंट, नोट करते जाइए आप। तो स्लेट का यूज कहाँ करते हैं, रूफिंग में, फ्लोरिंग में, जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ही, लेकिन आप यहाँ से इनको रिलेट करिए, यहाँ से मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ और जब मैं वो पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ की बात रिलेट कर दो, इससे हमें पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। चलिए स्लेट का यूज कहाँ कर रहे हैं हम, रूफिंग में, फ्लोरिंग में यूज करते हैं, या फिर इसको मेजनरी वगैरह वर्क में यूज हम कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, तो ये हमारा हो गया कौन सी, ये हमारी सभी टाइप की। अब आता है जिप्सम, जिप्सम आप जानते हैं सीमेंट वगैरह में यूज होता है, 3-5% यूज करते हैं हम इसको। तो जिप्सम हमारी क्या है, जिप्सम एक रॉक है, और इस जिप्सम के बारे में खास बात आपको याद ये रखनी है, देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, आप जब गुप्ता एंड गुप्ता की बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ही स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाता है कि जिप्सम इज अ रॉक, किस टाइप की रॉक है, सेडिमेंट्री तो है, तो हमारी सेडिमेंट्री तो ये तो हम जानते ही जानते हैं, लेकिन वहां पर एक चीज और रहती है, सेडिमेंट्री बट केमिकली प्रेसिपिटेड, केमिकली प्रेसिपिटेड, प्रेसिपिटेड यानी कि कहते हैं केमिकल की फॉर्म में प्रक्षेपित हमारी जो चट्टान होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये याद रखना है, सेडिमेंट्री केमिकली प्रेसिपिटेड हमारी ये कैसी होती है, जिप्सम होता है। तो ये हमारी क्या है, जिप्सम एक रॉक है, मिनरल नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए तो ये हमारे सारा मैंने जो यहाँ पर बताया हुआ है, ये सारा क्या बताया मैंने कि किस किस टाइप की हमारी रॉक किस अगर मेटामॉर्फिज्म एक्शन के बाद चेंज होगी तो उसे हम क्या कहेंगे। दूसरा आप बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के, तीसरा पॉइंट हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, इन्हें टर्सरी रॉक कहते हैं, अगर ये प्राइमरी है, अगर ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है तो ये कौन से आएगी, टर्सरी रॉक हो जाएगी। चलो तो इतना आपने सभी लोगों ने नोट कर लीजिएगा, जरूर आपको नोट करना, काफ़ी ये नोट्स बनाते आइए लगातार, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आगे बात करते हैं, और तो कोई पॉइंट नहीं छूटा आपको कमेंट बॉक्स में कर देना कि सर ये वाला पॉइंट छूट गया था, तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में उसे इंक्लूड कर लूँगा, क्योंकि इससे अगली जस्ट वीडियो कौन सी है, फिजिकल क्लासिफिकेशन की होगी। चलो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ कि एक्वस रॉक, मोनोमिनरलिक, और कोई हमारा पॉइंट सैंडस्टोन हो गया, सेल हो गया, जिप्सम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, इनके सबके बारे में हमने कुछ ना कुछ सीखा है अलग से, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से अगली रॉक, अगली रॉक हमारी कौन सी है, मेटामॉर्फिक रॉक, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रॉक पर जो हमारी है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक के देखते हैं, देखिए मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो दो प्रकार की है, कौन कौन सी, एक तो फॉलिएटेड एंड नॉन फॉलिएटेड। पहले आप ये समझो, मैंने जैसे इनके कीवर्ड्स बताए हैं कि बनती कैसे हैं, जैसे मैंने बताया कि इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं,
आपको याद आ रहा होगा इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है हमारी, ड्यू टू मैग्मा के अर्थ सरफेस पर या अर्थ सरफेस के नीचे थोड़ी सैलो डेप्थ पर या डीप सैड डेप्थ पर आने की वजह से हमारी कौन सी रॉक्स बनती है, इग्नियस रॉक बनती है। सेडिमेंट्री कैसे बनती है, इग्नियस से ही बनती है सेडिमेंट्री ड्यू टू सीजनल वेरिएशन, गर्मी धूप वर्षा हवा की वजह से जो हमारी प्राइमरी चट्टान बन चुकी है उनका डिकम्पोजिशन होगा और हवा से या किसी से भी आगे ट्रांसपोर्ट जाकर कहीं पर जाके जम जाएंगी तो उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। आगे समझ में आना चाहिए कि मेटामॉर्फ किसे कहते हैं। देखिए या तो इग्नियस रॉक ही लगातार उसके ऊपर वो अंडर प्रेशर आती जाए, टेम्परेचर हमेशा उसमें लगातार बढ़ता चला जाए और लगातार अंडर प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से हमारी इग्नियस रॉक भी डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकती है किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। तुम कहो कैसे, देखो ग्रेनाइट है कैसी रॉक है, ग्रेनाइट हमारी इग्नियस रॉक है, किसमें बदल गई मेटामॉर्फिक में। दूसरा हमारा सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, ये सब कैसी थी हमारी सेडिमेंट्री थी, ये किसमें बदल रही है मेटामॉर्फिक में। यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि इग्नियस रॉक डायरेक्टली भी चेंज हो सकती है मेटामॉर्फिक में बाय मेटामॉर्फिक एक्शन के बाद, या दूसरा डायरेक्टली हमारी जो सेडिमेंट्री रॉक है वो सेडिमेंट्री रॉक भी हमारी किस्म चेंज हो सकती है मेटामॉर्फिक में। और मेटामॉर्फिक में चेंज होने के लिए हमें क्या चाहिए, हाई हीट एंड हाई प्रेशर, ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई प्रेशर जब ऐसा रॉक्स में मिलता है। कीवर्ड्स हैं ये, कीवर्ड ही याद रखने हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से हमारी रॉक किस्म बदल जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्म में हमारी चेंज हो जाती है। चलो आगे देखते हैं हम कौन कौन सी होती है मेटामॉर्फिक रॉक। अब यहाँ से हम डिटेल में इसका बात कर लेते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक हमारी होती है सबसे पहली फॉलिएटेड, फॉलिएटेड, दूसरी हमारी होती है नॉन फॉलिएटेड, नॉन फॉलिएटेड। तो यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर फॉलिएटेड एंड नॉन फॉलिएटेड क्या चीज़ है। तो देखिए मैंने बताया पत्रिल यानी परतदार जो हमारी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं फॉलिएटेड, और जो नहीं होती उन्हें कहते हैं नॉन फॉलिएटेड। तो इनके एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, मैं अभी बता चुका हूँ कि नॉन फॉलिएटेड कौन सी है, मार्बल, मार्बल इज अ नॉन फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, बट क्वार्ट्जाइट इज ऑल्सो नॉन मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक रॉक, और कैसी है नॉन फॉलिएटेड क्वार्ट्जाइट। देखिए स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा। तो हमारी नॉन फॉलिएटेड रॉक कौन सी है, मार्बल एंड क्वार्ट्जाइट। और हम बात करें फॉलिएटेड कौन सी है फिर, नाइस, जिसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसी की होती है, नाइस है, चिस्ट है, ये हमारी जितनी भी है कैसी है हमारी, ये नाइस, चेस्ट, और हमारी कौन सी हो सकती है हमारी क्वार्ट्जाइट, सॉरी क्वार्ट्जाइट उसमें हो गया। तो ये हमारी और भी याद आएंगे तो आगे बताऊंगा। तो हमारी जितनी भी रॉक्स हैं वो कैसे हमारी नॉन फॉलिएटेड रॉक्स हैं। तो ये रॉक हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मेटामॉर्फिक रॉक से रिलेटेड, और हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट, और इसमें क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो हमारा चेंज बच गया हो उसके लिए आप देखिए मैसेज करिए, मैं आपको बाय मैसेज इसको बता दूंगा कि कौन कौन से हमारे रॉक्स हैं और जो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक में। अभी फिलहाल मुझे इतना ही याद आ रहा है तो इसके लिए, तो ये हमारी इतने टाइप की हमारी फॉलिएटेड रॉक बन जाती हैं। तो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक था। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए हम, ज़रूर लाइक करें इसे, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी स्टूडेंट्स आपके कॉन्टैक्ट में हैं सिविल इंजीनियरिंग के, आगे आने वाले टाइम में हमारा चैनल जब आगे ग्रो करेगा तो हम लाइव क्लासेस भी चलाएंगे, तो जितने आप लाइव कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम लोगों से, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका सपोर्ट नहीं हो पाएगा तब तक हमारा चैनल ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट्स आपके सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे जस्ट अगली वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट टू, यानी कि इसका पार्ट वन हो जाएगा, ये पार्ट टू हो जाएगी। तो कंटिन्यू देखें आप, जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो मैं नहीं समझता कि इससे स्टोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए और यहाँ पर उसका जवाब ना हो। तो आप जरूर देखिए पूरी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत होगा।